अच्छा जी बताओ, आप गोल टिक्की डालूं कि दूसरी वाली? बैठ जाओ ना उधर। यहाँ पे दूसरी वाली है, इसमें गोल टिक। अपने बड़े बंदे को बता क्या करती हूँ जिला। अल्लाह ताला उसको पनिशमेंट देंगे ना। वो मैं भी ने रैपर के अंदर कही हुई थी, उसकी शादी में लिए। Assalamu alaikum to all my viewers. Welcome back my YouTube channel. I hope that you all are doing very well, enjoying life. उम्मीद करती हूँ आप सबके रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। सो गाइज़, मेरी चांद रात तो दिन को ही स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मेरी अकेडमी में जो बच्चे आई हुई थी पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा कि मैम आप हमें दो दो हाथों पर ना मेहंदी लगाएं। तो मैंने कहा इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है। खैर यहाँ पर सबको मैंने एक एक हाथ पर मेहंदी लगाई। जब जब मैं बच्चों को मेहंदी लगा रही थी तो मुझे अपना बचपना याद आ रहा था। मैं स्पेशली मेहंदी लगवाने जाती थी, उल्टे सीधे हाथों पे फुल भर के मेहंदी लगवाती थी। और अब तो यकीन करें कि वो सारा कुछ सोच के भी ना मुझे हंसी आ रही थी। खैर मुख्तसर ये कि यहाँ पे मैंने बच्चों को छुट्टी दी, भेजा और फिर बारी आ गई घर की। पर सबसे पहले मैंने फ़र्श धो दिया और उसके बाद मैंने इफ्तारी बनाई। तैयारी करने के बाद काम स्टार्ट होता है मेन ईद की कुकिंग का। लेकिन कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात याद आई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हुआ यूँ कि आज दिन को ना मेरे घर पे एक आंटी आई, तो मैंने उनसे कहा कि बैठें थोड़ी देर। तो वो मुझे कहती हैं कि नहीं मुझे जाना होगा, मैं घर में ना चूल्हे पे खीर चढ़ा के आई हूँ। तो मैंने उनसे कहा तो आज तो 29वां रोज़ा है कि मे भी 30 रोज़े बन जाए। तो मुझे कहती हैं कि कोई बात नहीं, 30 रोज़े बन गए तो क्या हुआ, मैं खीर उठा के फ्रिज में रख दूँगी तो अगले दिन ईद है निकालेंगे तो वो सारे खा लेंगे। मतलब पाकिस्तानी लोग इतने एडवांस हैं कि अभी दिन को ही, मतलब कि अभी पता ही नहीं है कि 29 रोज़े बनेंगे या 30, लोगों ने मीठा बनाना शुरू कर दिया। उसके अलावा भी मैंने एक दो अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर की तो वो भी बता रही थी कि हाँ हमने भी दिन में ही हलवा पका लिया है तो हमने ना खीर बना ली है। अच्छा जी, बच्चों को मेहंदी लगाने के बाद यहाँ पे अपना मैंने एक फेस सीक्रेट मास्क अप्लाई किया, जो कि मैं कॉफ़ी से बनाती हूँ। उसमें नेचुरल हनी और कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसके जो टोटल मेथड है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिकॉज़ ये मास्क अप्लाई करने के बाद हैंड एंड फेस जो है बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी स्किन हो जाती है। और इसका यही होता है कि जितनी भी ड्राई एंड डेड स्किन होती है वो सारी की सारी जो है वो रिमूव हो जाती है। ये वाला पूरा करने दो, ये नहीं उतार लेना। अब मैं चले जाऊं, मेहंदी नहीं लगवानी मुझे देर ने। अब मैं अब तो मेहंदी ड्रेस नहीं लगाने में, तो मैं पांव भी लगाने के पांव तो फिर अब कौन तो क्या चिपटे करने के लिए। आप भी अगर पांव पे मेहंदी लगाओ तो कुछ नहीं होता, नहीं अभी होता है ना। पांव पे ब्राइडर्स लगाती है मेहंदी, बच्चों को नहीं अच्छी लगती। आप पांव पे दूल नहीं लगाती हैं, दूल। अच्छा मुझे बताओ दुल्हन को पंजाबी में क्या कहेंगे? दुल्हन को दाती, दाती। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्राइडल। और आती दुल्हन को उर्दू पंजाबी में क्या कहते हैं? हट्टी। अच्छा दूल्हे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दूल्हे को पंजाबी में बताओ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? पंजाबी मलाज बोलती है, लोग सता जाते हैं। आप इसको मलाज कहते हैं। था मुझे खुद इफ्तारी मैंने बना ली है और अभी मैंने ऊपर से बर्तन उतारे हैं, वो स्पून भी मुझे पकड़ाओ। सो मैंने कहा बस जल्दी से पहले मैं ये कर लूँ, अगर तो फाइनल हो गया कि सुबह ईद है तो फिर ये है कि मैं जल्दी से जो है रात को ही डिज़र्ट सारा तैयार कर लूँगी और बाकी जो होगा सालन वो मैं इंशाल्लाह सुबह बनाऊँगी। आपके यहाँ ईद के फर्स्ट डे क्या क्या बन रहा है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी मैंने आधे बर्तन उतारे हैं, अभी आधे ऊपर शेड पर पड़े और मेरी तो कमर में दर्द शुरू हो गया। बाकी जो है सारा कुछ वो मैं इफ्तारी के बाद करूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ इफ्तारी के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। वजह रही कि ये आज की इफ्तारी नहीं है, दो दिन पहले मैं कहीं इफ्तार पार्टी पे गई थी, ये वहाँ पे मैंने क्लिप्स कैप्चर किए थे जो कि मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज तो पूरा दिन काम कर कर के इफ्तारी टाइम मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया था। और हुआ यूँ कि इफ्तारी करने के बाद मैं मुझे पता ही नहीं चला, मतलब कि मैं सो गई, 7 बजे मैं सो गई थी और फिर जाके मैं उठी पूरे 8 बजे।
सो गाइस फाइनली वंस अगेन चांद रात मुबारक। अभी मैं सो कर उठी तो मुझे पता चला कि जी सुबह ईद है। वैसे 5 मिनट पहले ही अनाउंसमेंट हुई है मेरे जागने से पहले। तो अभी मैं यहाँ पे शीट्स प्रेस कर रही हूँ और उधर मेरी भतीजी जो है उसको मैंने बोला है थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाओ, वो शीट्स चढ़ा रही है और बाकी फिर ये पुराने वाली जो है ना ये वाइट वाली है उतार के वो सारी तय करेगी। मैं इतनी देर में ये सारी प्रेस कर लूँगी और फिर मैं बर्तन धोने लगी हूँ, फिर मैं मूव करूँगी किचन की तरफ और मैं कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। ईद के लिए मैं कुकिंग में क्या क्या बना रही हूँ वो मैं फिर आपको साथ साथ अपडेट करती हूँ। सो सारी चादरें जो हैं वो तय करके बिछा दी हैं तो अब मैंने मूव किया किचन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने शीरकोरमा रखा चूल्हे पे। खुला दूध जो मंगाया था शाम को वो मैंने पहले बॉईल करके रख लिया था और कुछ ऑल्पर्स मिल्क के पैकेट भी मंगा लिए थे। तो बस ये है कि फिर ये मैंने सारा दूध मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसमें शीरकोरमा डाल दिया। अब जितनी देर में शीरकोरमा तैयार हुआ इतनी देर में फिर मैंने थोड़े से बर्तन जो थे वो धो लिए। अच्छा ये जो लजीज़ा वालों का शीर खोरमा है ये बहुत डिलीशियस होता है। आपने अगर आज तक कभी नहीं ट्राई किया तो काइंडली मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में मेरा ये जो शीर खोरमा है वो मशहूर है। वैसे और तो मुझे कोई ढंग की चीज़ बनानी नहीं आती लेकिन ये बात मैं भी कहती हूँ कि ये जो डिज़र्ट है मैं बहुत डिलीशियस बनाती हूँ। सो आपने भी इसको मस्ट ट्राई करना है। अच्छा खैर फिर मैंने यूँ किया कि साथ चाट बनाना था क्योंकि जो मेहमान आते हैं वो ये कहते हैं कि जी मीठा खा खा के तो हमारा दिल नहीं है। अब जाहिर है हम जो मीठा बनाते हैं वो मेहमानों के लिए बनाते हैं, जब वो ना खाएं तो फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि साथ में मैंने चना चाट बना देती हूँ। चलो अगर किसी ने कोई मिर्चों वाली चीज़ खानी है तो वो खा लें। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले आलू बॉईल किए रात को और फिर साथ में ने चना चाट के लिए प्याज टमाटर काटे हरी मिर्चें वो मैं साथ अलग अलग बॉक्स में रखती गई, वो मैं आपको लास्ट पे दिखाती हूँ। और साथ फिर मैंने क्या किया कि चिकन कढ़ाई बनानी थी सुबह तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर अलग काट के रख दिए थे और गिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बना के रख लिया था ताकि जब सुबह मैं उठूँ फजर टाइम तो उसके बाद मुझे चिकन कढ़ाई बनाने में आसानी हो। बस मैंने फ्रीज़र से गोश्त निकाल के नीचे फ्रिज में ही रख दिया था रात को, जब मैं सुबह उठी थी ना फजर टाइम के लिए तो मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था। तो बस फजर की नमाज़ पढ़ के तो मैंने ना जल्दी से हंडिया बना ली एंड यकीन करें विद इन 1 आवर मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए। सो फाइनली रात के 12 बजे मैंने ये सारे बर्तन धो लिए। उसके अलावा जो चने मैंने फ्रीज किए हुए थे वो मैंने निकाल के रख दिए, सुबह तक जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें मैंने चना चाट के लिए प्याज टमाटर जो है वो काट के रखे हैं और बीच में हरी मिर्च डाल के। इसमें जो है वो मैंने प्याज रखे हैं उसके लिए, हाँ ये चाट वाले प्याज हैं। और उससे ऊपर जो बॉक्स है इसमें मैंने प्याज रखे हैं चिकन वाले, और ये जो है इसमें मैंने प्याज टमाटर और गिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो बना के रख दिया है। सो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। सो बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।